गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर में गोलीकांड के 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से 1 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 2 बलेनो कार और 1 पल्सर मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। एसएसपी ने किया खुलासा, कहा 2 फरार आरोपियों पर 25,000 का इनाम है घोषित, गिरफ्तारी नहीं होने पर बढ़ाई जाएगी इनाम की धनराशि। मंडलायुक्त ने किया महानगर में लगाए गए कोरोना जांच शिविर का निरीक्षण, कहा अधिक से अधिक लोगों का कराए कोरोना की जांच, जिससे तोड़ा जा सके कोरोना का संक्रमण चक्र। कस्टम विभाग ने NH-28 पर से तस्करी के लिए 14 गाड़ियों से ले जाए जा रहे 3,47,00,000 के मटर और सुपारी को किया जब्त। मंडल सहायक आयुक्त ने कहा तस्करी के खिलाफ निरंतर चलता रहेगा अभियान। कृषि निदेशक डॉक्टर अजीत प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में प्रदेश के रबी फसलों के उत्पादन कार्यक्रम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई चर्चा। खरीफ फसलों की पराली खेतों में न जलाने के दिए निर्देश। गोरखपुर जिले में लगातार 24 घंटे से हो रही भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा अगले 26 तारीख तक होगी भारी से भारी वर्षा। गगा पुलिस ने ग्राम शिवपुर हत्याकांड के वांछित अंतिम अभियुक्त ब्रह्मा और ब्रह्मानंद पांडे को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने लोगों से की अपील, कहा लक्षण दिखने पर अपना और अपने परिवार के लोगों का कराएं निःशुल्क कोरोना की जाँच। गगा पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी अभियुक्त प्रदुमन निषाद को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना जांच शिविर केंद्रों पर ड्यूटी कर रहे लेखपालों और अमीनों की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में बृहस्पतिवार को मिले 118 कोरोना संक्रमित मरीज, 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 14,638, एक्टिव मरीज हुए 1,376। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा मौसम विभाग के अनुसार 26 सितंबर तक भारी बारिश के हैं आसार, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन है तैयार। और दलित छात्रों को 0 फीस पर एडमिशन की मांग को लेकर अंबेडकर जन मोर्चा के सदस्यों ने सिटी मजिस्ट्रेट के जरिए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को प्रेषित किया ज्ञापन, मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी।